ऑफकोर्स हर फिल्म स्पेशल होती है और ये स्पेशल इस मायने में है क्योंकि इसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोसेस बहुत इंस्पायर करती है किसी भी फिल्म की, और मुझे ये उम्मीद थी कि जब हम लोग शूट करने जाएंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करेंगे इसको, मतलब इम्प्रोवाइज़ करेंगे सीन की रिहर्सल करके, और बहुत ही सेट पे जो प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही, जो श्लोक की प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही इंस्पायर था, और मुझे मालूम था कि इसी तरीके से शूट होगी भाई, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से जानता था एज ए डायरेक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को ज़िंदा रखना पहले, तो कि वो एक्टर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप संजो के लेके आते हैं बहुत मेहनत करके, और वो कभी कभी क्या होता है कि चकाचौंध में वो मिस होने लगता है, तो मैं इस तरह की फिल्म करके उस एक्टर को अपने वो खोने नहीं देना चाहता हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर इस तरह की फिल्म करना, हरामखोर जैसी फिल्म करना। और जब एक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर जब कैमरे के सामने होता है ना, तो उसके सामने वो ये सोच के एक्टिंग नहीं कर रहा होता है कि बड़े बजट की या छोटे बजट की फिल्म है, तो आई थिंक जो प्रोसेस है वो आपको, जैसे एक पतंग की थी मैंने, एक हरामखोर है, ये जो दो फिल्में, दो तीन फिल्में ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली एज एन एक्टर। एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं होता, एक 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 फॉर्म होती है, जैसे हम लोग जब थिएटर भी करते थे, एनएसडी में था मैं जब, तो हम हर तरह का प्ले करते थे, म्यूजिकल प्ले भी होता था, फार्स भी होता था, पारसी स्टाइल में भी प्लेज होते थे, रियलिस्टिक प्लेज भी होते थे, है ना, और जो लाइक मोलियर है, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, मोलियर, चेखव, स्टैनिस्लावस्की की जो मेथड एक्टिंग, ये वो फोक प्लेज भी करते थे, रामलीला भी करते थे, तो इस तरह के सारे प्लेज की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखती कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, ये कमर्शियल है, उसको एक टास्क दिया जाता है, उस जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ, अब वो उसकी कोशिश में जुट जाता है, उसको वो करना होता है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना चाहता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी, मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए। आई थिंक मुझे भी अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी। एक्चुअली हमने, हम लोगों की प्रोसेस थी जो टेक्स्ट था उसको, उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी। वो नहीं नहीं अभी तो कोई चांस है नहीं, अभी नवाज भाई, दिस साइड नवाज भाई, उस रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं, हमारी बात हो रही थी उसी दिन, इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे, तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स, जो पुलिस का रोल है वो करूँगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें, अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो वाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं एक्चुअली जब वो रोल, मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासीपुर में, तो मैं सोच रहा था आप कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर के लिए गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म, तो और लेट मी टेल यू के वो श्वेता ने ही, श्वेता जो हैं वो पहले उस पे काम, राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये, तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए, तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। शाम के कैरेक्टर के लिए लाइक मैं, जैसे मैंने बताया था, बहुत ही लाइक स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर, जैसे श्वेता है, मैं और जो भी जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे, उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए, तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में, कि श्लोक ने जैसे हमें ये सीन इस तरीके से करना, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हो गया, तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया, और बहुत ही, अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको,
क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता है बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता. हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ. तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है, फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे. लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए. तो हमने अननोइंगली, मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारे मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर तोड़ी हूँ, बट हमने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है, नहीं ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी, और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी. मैं, मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते ना कुछ नहीं पता होता, और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस. आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है, लेकिन बच्चे कहाँ पे, मतलब कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं. अच्छा करते हुए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है. आप किसी, जैसे गाय है, गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो. तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ काम करना. गब्बर चक्कू भाई इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि पतंग पिक्चर में मेरा चाकू नाम था. तो चक्कू भाई शामू, एक्चुअली वो जिस जगह से आए वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भाई चाचा ये सब बोलने की मतलब वो नहीं है, मतलब तो खुले टाइप का बंदा है वो मेरे लिए ना अल्पचिनो था वो एक्चुअली. वो जब बैठता था, जैसे श्लोक ने बताया, तो ऐसे करके बैठता था, हे चक्कू भाई दरा ऐसा. आपने AIB के एक प्रोग्राम में कहा कि छोटी फिल्मों को जब मैं शूट करता हूँ तो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती और बड़ी फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं, तो इस फिल्म में आपको मिली थी जब आप शॉट करके निकलते थे या क्या था? ज़्यादा लोग ही नहीं होते थे. मतलब कहाँ पे ये फिल्म, ये हरामखोर कहाँ पे तालियां, मतलब जब आप शॉट करते थे, शॉट के वक्त जो नहीं शॉट के वक्त तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई काम अच्छा किया है या बुरा किया है. और क्यों आपने AIB में ये बात बोली थी, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं, क्या होता है कि छोटी फिल्म क्या छोटे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है ना. अभी क्या होता है कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले और उसमें जो सीन कर रहा हूँ मैं, तो चाहे इतना कोई ख़ास सीन नहीं, लेकिन यार क्या सीन करता है बंदा, माय गॉड. और वही उससे भी बढ़िया सीन, जैसे ये हिट फिल्म में भी होता है, हिट फिल्म हो जाती है ना, उसमें सारी परफॉर्मेंस की सब एप्रिसिएशन होता है. फिल्म फ्लॉप हो जाए, कितनी दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दो, मैं डिनेरो को, ब्रांडो को आके भी करवा लूँ, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो बोले यार क्या, कुछ नहीं है सब.